वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने एग्जाम कर रहे थे, एग्जाम नंबर 37 वाला, तो थोड़ा बहुत ही हुआ था, उसको पूरा ही कर लेते दोबारा से, ठीक है। एग्जाम नंबर 37, आपके पास एक कोण है, उस कोण में ये कोण है और इस कोण का स्लैंट हाइट आपको गिवन है, अपन ने एल अज्यूम कर ली इसकी हाइट, ये तो था स्लैंट हाइट गिवन थी। देखना एक बार स्लैंट हाइट गिवन थी ना जैसा, हां गिवन है, गिवन स्लैंट हाइट थी, हां ओके गिवन है। और यहां पे आपके पास ये रेडियस हो जाएगी या आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, कब, जब इसका सही वर्टिकल एंगल कितना हो, tan इनवर्स 2 यानी कि दिस एंगल, मैंने इस एंगल को थीटा ज्यूम कर दिया। तो लेट क्या करेंगे, लेट रेडियस वो तो करवा दिया था ना कल मैंने, ठीक है। अपन वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब आपको आर को एच को एल के टर्म्स में कैलकुलेट करना है इन ट्राइंगल में ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, आपके पास एक तो साइन थीटा निकालेंगे अपन, साइन थीटा कितना आ जाएगा, आर अपॉन एल, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी, एल साइन थीटा आएगी। ऐसे अपन कॉस थीटा निकालेंगे, एच अपॉन एल आएगा, एच की वैल्यू एल कॉस थीटा आएगी, कितना मैंने करवा दिया था और मैंने इसमें रख भी दिया था 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे अपन रखेंगे तो कितना रखेंगे, देखिए v इक्वल टू 1/3 पाई आर की वैल्यू एल साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और एल कॉस थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर और एल एल क्यूब हो जाएगा, पाई अपॉन 3 आएगा, साइन स्क्वायर आएगा कॉस थीटा, मैंने इसका डिफरेंशिएट भी कर दिया था, dv अपॉन अब क्या रहेंगे, d थीटा रहेगा, अच्छा डिफरेंशिएट नहीं किया था, dv अपॉन थीटा कितना आएगा, एल क्यूब अपॉन पाई अपॉन 3। मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों किया, क्योंकि आपको एल गिवन है, एल आपकी फिक्स है, जैसे मान लो एल की वैल्यू मान लो 25 है, तो 25 ही रहेगी चाहे आप इनको एडजस्ट करो, थीटा को एडजस्ट करो, लेकिन एल की वैल्यू देखने 25 ही रखनी है, मेरी बात को समझ लो, एल को 25 ही रखना है, यानी कि एल वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो एल क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है, और थीटा क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, जो गिवन होता है वो फिक्स होता है, और जो फिक्स होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पे अपन dv / dl नहीं करेंगे, आप लोग देख रहे हैं यही गलती कर बैठेंगे, dv / dl करेंगे आंसर नहीं आएगा, अपन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, एल फिक्स है एल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से dv / dθ ये हो गया sin स्क्वायर ऐसा का ऐसा, cos का करेंगे माइनस sin थीटा, cos ऐसा का ऐसा, sin स्क्वायर का 2 sin थीटा, sin का वापस करेंगे cos थीटा, खत्म का dv / dθ इक्वल टू एल क्यू पाई अपॉन 3, यहाँ से माइनस का साइन क्यू थीटा, और कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। बुक में अलग तरीके से कर रखा है, थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा इसको। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका, मैं दोबारा डेरिवेटिव करता हूँ, बी टू बी अपॉन बी थीटा स्क्वायर लिखूंगा, एल क्यू अपॉन पाई अपॉन 3 ऐसा का ऐसा, इसका करूंगा तो कितना आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, फायदा क्या है, और cos थीटा इसका करूंगा u टू b से, तो 2 cos स्क्वायर ऐसा का ऐसा, sin का करूंगा cos थीटा प्लस 2 sin ऐसा का ऐसा, cos स्क्वायर का मतलब 2 cos थीटा sin में sin थीटा, अच्छा माइनस का sin थीटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो l क्यू पाई अपॉन 3 कितना हो जाएगा, देखिए सोल्व करेंगे ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर, ये कितना है 2 × 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर, माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा,
बस अब क्या करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है वो लिखना ना लेट रेडियस वॉल्यूम सेकंड टाइम में आपको लिखना है, ठीक है वो चीज आपको लिखनी है, मैंने कल लिखवा दी थी। अब देखिए इसके बाद में क्या करता हूं, इसमें फॉर मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा के लिए मेरा क्या हो जाएगा डीवी अपॉन डीटा इक्वल टू 0, तो यहां से एल क्यू पाई अपॉन 3 ये वाली वैल्यू 0 करेंगे कितना आएगा, यहां से देखो कैसे कैसे करते हैं इसको देखना सो ये सारा 0 जाएगा उधर और उधर जाएगा ये कितना हो जाएगा बता सकते हो आप लोग, 2 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस का sin क्यूब थीटा इक्वल टू 0, मैं sin थीटा कॉमन ले रहा हूं तो बताओ कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 या फिर ये 0, तो क्या होगा sin थीटा इक्वल टू 0, एक यहां से क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन जो आपको चाहिए वो लेंगे, जो नहीं चाहिए वो नहीं लेंगे, क्या चाहिए tan इनवर्स वाला, अरे बोलो तो सुनो, माइनस वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, tan थीटा इक्वल टू रूट टू चाहिए, तो अपन भूल ही लेंगे बाकी को खा जाएंगे। अपन क्या बोलेंगे देखिए और tan थीटा इक्वल टू 2 मतलब थीटा इक्वल कितना आएगा tan इनवर्स रूट 2। अब यहां देखो अपन चेक करेंगे d2b अपॉन d थीटा स्क्वायर, अब tan थीटा रूट 2 है तो sin cos निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल रूल से कैसे निकालेंगे आपको पता है, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है रूट 2 का मतलब परपेंडिकुलर सिंपल, अगर ये थीटा है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, मतलब रूट ये होगा ये बड़ा होगा तो पक्का पक्का ये रूट ये होगा क्यों होगा, अरे होगा होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा एल क्यूब अपॉन पाई अपॉन 3 माइनस का 7 साइन स्क्वायर का मतलब रूट 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 2 अपॉन ये आएगा, आगे cos theta कितना आएगा 1 upon root 3 आएगा प्लस 2 cos theta यानी कि 1 upon root 3 का होल क्यूब, ये नेगेटिव आएगा, अब कैसे आएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 आ गया तो माइनस का l क्यूब pi upon 3 माइनस का 14 upon 3 root 3 और ये प्लस का 2 upon 3 root 3 सॉल्व करेंगे इस माइनस का तो माइनस का आएगा माइनस का 10 आएगा, ठीक है माइनस का 10 बटे नो रूट 3 एल क्यूब पाई को लेस देन 0 के बराबर 12 है 12 है 12 है 3 से कट जाएगा, अरे चले आ गया ऐसे है पता नहीं था मेरे को 12 आएगा 12 को 2 से काटेंगे, अच्छा 12 को 3 से 4 है 3 2 3 अब सही है, अब सही है वेरी गुड, क्या बोलेंगे एट थीटा इक्वल टू at theta equal to tan inverse root 2 pi volume maximum, बात समझ में आ गई होगी, बस चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पढ़ आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे नहीं तो नहीं हुआ तो फिर वेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है
अब देखिए अब देखो यहां से थीटा की वैल्यू ये आ गई है tan इनवर्स √2। अब अगला एग्जांपल अपना वो क्या है 38 वाला, जल्दी देखो थोड़ा उसको। हां एक एन ओपन टैंक को फिक्स वॉल्यूम है स्क्वायर इज, अब की बार क्या फिक्स है वॉल्यूम फिक्स है, क्या फिक्स है वॉल्यूम फिक्स है, यानी वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट एज स्क्वायर बेस, यानी जो टैंक है उसका बेस क्या है स्क्वायर से लिखा है। इफ इनर सरफेस इज मिनिमम देन फाइंड द रेशियो ऑफ डेप्थ टू लेंथ ऑफ द टैंक। अरे रे कहने का मतलब ये है जैसे अपने क्या माने चौक के डिब्बे का अगर ऊपर वाला ढक्कन उठा दे है तो नीचे उसका जो वो क्या है क्या बोलते हैं बेस क्या स्क्वायर शेप का है बोलो, और जो ऊपर ऊपर उसकी चार दीवारें होगी फोर वॉल्स होगी नहीं होगी। अब यहाँ पे नीचे वाला स्क्वायर बोल रहा जबकि चौक के डिब्बे में सभी स्क्वायर ही होते हैं, हो भी सकता है उस टाइप में नहीं भी हो सकता अपने को पता नहीं है। अपने को क्या बोला है कि नीचे जो बेस है वो तो स्क्वायर शेप का है और जो आपको क्या करना है उसकी लेंथ और डेप्थ का रेशियो, कहने का मतलब जो उसकी दीवारें हैं वो स्क्वायर शेप में नहीं है। डेप्थ का मतलब हाइट, डेप्थ का मतलब हाइट, लेंथ लेंथ का मतलब नीचे बेस वाली लेंथ, यानी कि अगर मैं टैंक को बनाऊं तो कैसे बनेगा खुला लेकिन जाने का ऊपर से ठीक है बनेगा नहीं बनेगा ऐसे फॉर्म में, ये ऐसे 2D में नहीं 3D में है, इसमें है 3D में है। अगर मैं बोलूं क्या यहां से मेरी ये मान लो मेरी हाइट को है क्या बोलते हैं उसको डेप्थ है, उस डेप्थ को मैंने h अज्यूम कर लिया और मेरी लेंथ क्या है l है कि नहीं है। अब जो उसका नीचे नीचे वाला बेस है वो तो l l l l का होगा और ऊपर हाइट कितनी होगी h की होगी, तो मैं जब इस दीवार का निकालूंगा तो लेंथ तो l हो गई हाइट कितनी है कि लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल हो गया और l h आएगा नहीं आएगा, इसका भी l h आएगा इसका भी l h आएगा इसका भी l h क्या एरिया आएगा वो तो क्या आएगा ठीक है, इसका l into h और नीचे वाला बेस की लेंथ l है समझ में आ गया होगा h into l h into l h into l h into l और नीचे वाला क्या रहेगा स्क्वायर है उसका क्या होगा एरिया साइड स्क्वायर का मतलब l स्क्वायर, यानी कि अगर अपन टैंक का इनर सरफेस एरिया निकाले तो एक तो आएगा l स्क्वायर और 4 into l h होगा कि नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे लेंथ लेंथ ऑफ length of tank कितने अज्यूम कर लेते हैं अपन l अज्यूम कर लेते हैं और depth कितनी अपन depth को h और volume को भी let कर लेते हैं है ना, surface area क्या हो जाएगा inner surface area कौन सा वाला inner surface area वो क्या हो जाएगा आपका s हो जाएगा and volume क्या हो जाएगा आपका चारों दीवारों का होगा कि l into h l into h इसमें आ गया क्या 4 into l into h। अब देखिए यहां पे आपको एरिया को मिनिमाइज करना है ना, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, लेकिन क्या गिवन है आपको वॉल्यूम गिवन है। अब आप देखो तो पहले वॉल्यूम ही कर लेते हैं, वॉल्यूम भी v कितना आएगा आपने सिलेंडर पढ़ा है इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कैसे आता है हमेशा ध्यान रखना है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जो सिमेट्रिकल फिगर होते हैं उनका वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेस एरिया ऑफ फिगर इनटू हाइट। अब क्या ये भी सिमेट्रिकल है, अरे चारों दीवारों का सिमेट्रिकल तो होगा दिस 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 दिस, तो
क्या बोलूंगा मैं, इसका बेस एरिया तो क्या होगा एल स्क्वायर और इनटू एच। और वैसे भी आप अगर इसको क्यूबॉइड मान लो एल इनटू बी इनटू एच करोगे तो क्या होगा, अब यहां पे बी की वैल्यू भी क्या है एल वैल्यू इनटू एच, तो क्या हो जाएगा एल इनटू स्क्वायर। सारी बात समझ में आ गई होगी, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया है? वॉल्यूम हो गया। अब सर आपका क्वेश्चन क्या है? और ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सरफेस एरिया एल स्क्वायर प्लस फोर एल इनटू एच। ठीक है, हाँ सर, तो इनर सरफेस के लिए हो, तो इनर सरफेस के लिए कितना एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बेस का नहीं होगा, पैदा नहीं होगा क्या स्क्वायर का, सर बेस का तो होगा, बोर्ड का थोड़ी होगा, ये इनर सरफेस के लिए। अरे कैसे बताऊं, ये मान ले मेरा क्या है हाँ, ये रहा, ये देखो, ये हुआ ना बात, ये हो रहा, इसको ढकना नहीं है, ये लो, अब दिख रहा सबको, दिख रहा, अब नीचे क्या है इसका, अरे नीचे बेस तो अंदर से देखा तो भी बेस दिख रहा था, नहीं दिख रहा, ये तो अंदर वाला पहले बार देखेगा, देखेगा तो दिखेगा नहीं दिखेगा, तो कितना होगा उसका एल इसका होगा, अब किसका बता, ये तो एल एच एल इनटू एच, इसका भी एल इनटू एच, इसका भी एल इनटू एच, अब जो बच गया उसका भी एल इनटू एच, फोर एल इनटू एच। अब आपके पास दो वेरिएबल है, लेकिन आप इसका डिफरेंशिएट करोगे प्रॉब्लम क्लियर होगी। अब एक भी चेंज करें कैसे भी, यहां से बताओ यहां से एक्स की वैल्यू क्या ले सकता हूं, ये अपॉन एक्स बचा है, ऐसे तो दिखाओ बस, है ना, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर प्लस 4l, और ये क्या हो जाएगा बी अपॉन एल स्क्वायर, तो कितना आएगा यहां से एस इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 4b अपॉन l। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे l के रिस्पेक्ट में, तो 2l माइनस 4b अपॉन l स्क्वायर करना का डिफरेंशिएशन, ये तो l स्क्वायर 2l 4b cos tan है, बना पर l का क्या होगा, बना पर x का क्या होता है माइनस का बना पर x होगा, ये होगा होगा। अब यहां पे डबल डेरिवेटिव करेंगे, ये लो डबल डेरिवेटिव कर दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा माइनस का 4b माइनस का 2 अपॉन l के मुकाबले होगा, इसका l स्क्वायर का माइनस 2 आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 8b अपॉन कितना हो जाएगा l की हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है ये, अरे दिख ही रहा है ये तो पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम पॉजिटिव लेंथ पॉजिटिव ऑब्वियसली बात है सरफेस एरिया पॉजिटिव होगा, माइनस का स्क्वायर हो गया ना 2 2l का जीरो, अच्छा 2l का क्या ओके 2 प्लस 4 नहीं माइनस, ये हो गया माइनस का 2 अपॉन l क्यूब कितना हो जाएगा 2 प्लस 8b अपॉन l क्यूब क्या पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, एक बार नहीं होगा होगा। हाँ अब देखिए अपन क्या करेंगे, 4 मिनिमा के लिए जीरो करेंगे, 4 मिनिमा के लिए किसको जीरो करेंगे, ds अपॉन dl को जीरो करेंगे, तो बताओ कितना आएगा यहां से 2l माइनस 2l माइनस 4b अपॉन l स्क्वायर को कितना आ जाएगा यहां से जीरो, सॉल्व करेंगे तो 2l क्यूब इक्वल टू 4b, l की वैल्यू क्या आएगी 2b की पावर 1/3 का, अरे लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हो सर, तो यहाँ भी लिख दो ना, कहाँ लिखूँ कैसे लिखूँ, हाँ इसमें d2 हाँ d2s अपॉन d2s अपॉन dl स्क्वायर वो तो 2l प्लस 8 और ये b है, यहाँ पे l की वैल्यू क्या है 2b की पावर 1/3। अब आपको पता है जीरो से क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ये पॉजिटिव होगा l क्यूब में जीरो तो इसके तो मिल l क्यूब, अच्छा l क्यूब है क्या, ओके तो अपन l क्यूब की वैल्यू कितना 8b, तो बताओ l क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 2b आएगी, अरे l क्यूब की 2b तो आएगी, तो कितना हो जाएगा 4 2 प्लस 4 6 हो गए, और ये जीरो से क्या बड़ा, इसका मतलब क्या देगा, ये मिनिमा देगा, कहां पे देगा बोल सकते हैं अपन एक्स एल इक्वल टू बी की पावर 1/3 के इनर सरफेस एरिया
इनर सरफेस एरिया विल बी मैक्सिमम मिनिमम ये येलो येलो ये ठीक है। अब आपको रेशियो निकालना है, तो अब रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किस किस का रेशियो निकालना है, एल का और एच का। ओके चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, रेशियो भी निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि अपन आगे चले। वॉल्यूम में रखते थे अपन, आपका v इक्वल टू क्या आ रहा है, l स्क्वायर h है ठीक है। आपको किसको हटाना है, v को हटाना है, v को हटाना, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, आपको पता है, क्या पता है आपको कि l इक्वल टू कितना, 2v की पावर 1/3 कितना, l क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 2v, v इक्वल टू l3। हां तो यहां से अपन क्या करेंगे, v की वैल्यू क्या लिखेंगे, l क्यूब अपॉन 2 और l स्क्वायर टू h, तो l अपॉन h कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू बैक टू जाए, बैक टू जाए उल्टा हो जाए, बैक टू h हो जाए उल्टा हो जाए, h अपॉन l हो जाए ना, h अपॉन l कितना हो जाएगा, बड़ा अपॉन टू आ जाएगा, h रेशियो l 1 रेशियो 2। आंसर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल नंबर लास्ट वन, मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट द प्राइस इट बी दिस, क्या करना है, सेल करना है, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है ईच, हां हर की और एक्स आइटम है ना, और एक की जगह का एक्स आइटम मल्टीप्लाई विद टू, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज दिस, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम, ओके फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड बी सेल टुवर्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन का ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये आ गया तो मजा आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो एक का दे रखा है, ईच लिखा हुआ उसके अंदर, आइटम कितने हैं x, आप देखना एग्जांपल नंबर 39 है क्या सॉल्यूशन, टोटल आइटम कितने हैं x है, अब आप मेरे को बताओ टोटल सेलिंग प्राइस आ सकती है, टोटल सेलिंग प्राइस उसको अपन x लिखने का, अब आप एक का पता आपको लिखना है, 5 minus x अपॉन हंड्रेड, अगर एक का इतना है x का कितना हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे एक का इतना है और मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, x से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल आ जाएगा, तो कितना आ गया यहां से 5x minus x square अपॉन हंड्रेड, ये तो क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस रुपयों में है क्या, हां ठीक है कितने रुपीस आ गए, ये लो अपने के लगा रुपीस, ओके अब देखो यहां से कॉस्ट प्राइस देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस देखिए अपने को, उसमें लफड़ा नहीं किया, उसमें टोटल देने की कितनी दे रखी है, उसको सी लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को सी लिख लेते हैं, x अपॉन 5 प्लस 500 रुपीस है, अब प्रॉफिट क्या होता है, जा तो 100 रुपए मैन्युफैक्चर ज्यादा में बेचे तो कम में खरीदे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का मतलब पे लूं और वो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 100 रुपए बेचा 50 में खरीदा 50 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो दिस माइनस दिस, तो दिस प्लस दिस बनाएंगे तो दिस आ जाएगा कितना आएगा, और 5x माइनस x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस का x अपॉन 5 हां 500 माइनस 24 x अपॉन 5 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस का 500 ये भी आपका dt अपॉन dx करेंगे 24 अपॉन 5 ये कितना हो जाएगा x अपॉन 50 आएगा, अरे 2x आ गया आएगा 2 से हो जाएगा हो गया काम, d2p अपॉन क्या करेंगे dx स्क्वायर करेंगे 0 हो गया माइनस का माइनस 50 ये लेस देन 0 हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइज आ गया है, प्रॉफिट अब वो तो कहेंगे तभी तो मिल जाएगी, कितने आइटम्स पे मैक्सिमम मिलेगा वो पूछा है,
ठीक है, इसका ऐसे ले लो। अब देखो यहाँ पे और मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमा के लिए dp / dx कितना काटेंगे, जीरो कर देंगे, इसमें जीरो, तो 24/5 - x/50=0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 240 बस, हाँ x की वैल्यू 240। अपन क्या बोलेंगे at x equal to 240 p d2p/dx² वो तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ना ऐसे जीरो, तो लास्ट में क्या बोल देंगे x x equal to 240 आइटम पे अपना क्वेश्चन क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, एक एग्जांपल और बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एग्जांपल और बचा हुआ है। चलो एग्जाम्पल 15 की पढ़ लो, काफी दिनों से रह गया है, थोड़ा सा कभी फिर रह गया, चलो पूरा ही करने के यहाँ आज तो नहीं बचेगा। देखिए फाइंड द वैल्यू फॉर व्हिच द फंक्शन, अच्छा ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबके सेंटेंस ये है या रेंज पूछिए, किसी के रेंज पूछिए, हाँ ओके डिफाइन द वैल्यू ऑफ ओके, तो यहां पे fx की वैल्यू देखिए, ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एग्जांपल नंबर 15, ठीक है आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 15 चैप्टर नंबर 8 का, वो 8.2 में है, आपके पास fx दिया हुआ है कितना होगा, मुझे क्या पता, जस्ट वैल्यू,
तो देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया है और अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, ठीक है? कल से करें स्टार्ट या आज से करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अरे समीर समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? समीर शर्मा समझ में आ गया क्वेश्चन? ए की वैल्यू माइनस टू से इनफाइनाइट, ठीक है? अब देखिए चैप्टर नंबर सेकंड, आप जो बोलो वो चैप्टर करवाए, मतलब कौन सा करवाए? सत्रह चैप्टर करवाए बताओ, कौन सा करवाए?